सांप ने काटा था, जहरी सांप था। लड़के का शरीर नीला पड़ता गया, मां बाप घबराए, डॉक्टर के पास ले गए। गुजरात की बात है, गुजरात में लुणावाड़ा शहर है एक छोटा सा, तो बच्चे को डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ, गोधरा ले गए। लुणावाड़ा से गोधरा बड़ा है, 40-50 किलोमीटर दूर, वहां ले गए। वहां के डॉक्टर ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, यह बच्चा मरने वाला है, जहर बहुत इसके शरीर में बढ़ गया है, इसको बड़ौदा ले जाओ। तो वो गोधरा स्टेशन से ट्रेन में बैठे, मां बाप रोए जा रहे थे, एक दो रिश्तेदार और भी साथ में बैठे थे। उनकी नजर पड़ी ट्रेन में, सामने एक स्टिकर लगा हुआ था गुरुदेव के चित्र वाला, उसमें सुवाक्य लिखा था, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये स्टिकर पढ़ा तो उन्होंने लड़के के माता पिता को कहा कि देखो बापूजी क्या कह रहे हैं, स्टिकर में क्या लिखा है, पढ़ो पहले, बाद में रोना। मेरा बेटा, बेटे में मन मत लगाओ, बेटे का दुख मिटाने वाले ईश्वर में, गुरु में मन लगाओ, ताकि कष्ट नष्ट हो जाए। जीवन में कभी भी दुख को बड़ा करके न देखो, ईश्वर और गुरु को बड़ा करके देखो। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में भी जाएंगे, नहीं भगवान मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख है, मतलब भगवान से भी बड़ा दुख है, बहुत बड़ा कष्ट है, भगवान गुरुदेव मैं बहुत मुसीबत में हूं। तो गुरु के आगे, ईश्वर के आगे मुसीबत को बड़ा करके दिखा रहे हैं। नहीं, मुसीबत और कष्ट को कह दो कि तेरी दाल मेरे गुरु के आगे नहीं गलेगी, क्योंकि मेरे गुरु समर्थ है और तेरी सामर्थ्य कितनी, मुसीबत तू तो नष्ट होने वाली है, ए दुख तू नष्ट होने वाला है। ऐसा करके हम अपने ईश्वर को, इष्ट को, गुरु को बड़ा करके देखें, फिर देखो कैसे कष्ट नष्ट हो जाता है। और कईयों की आदत होती है, जब देखो तब, कभी भी बात करो ना, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो दुख को भी होता है कि इतना याद कर रहा है तो मैं भी बेवफा क्यों बनूं। तो चल, वो आ जाता है कि तुमने पुकारा हम चले आए, नहीं। उन्होंने वचन पढ़ा, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो सोचा कि चलो अब मेरा बेटा नहीं, हम भी बापूजी के बच्चे हैं, हमारा बच्चा भी उन्हीं का बच्चा है, जो होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करने की तो बात ही कहां है। शांत हो गए प्रार्थना की, तो उन्होंने ही बताया कि बापूजी के चित्र से एक ऐसी किरण निकली जो हमारे बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई, और थोड़ी देर में तो बच्चा स्वस्थ होता गया, स्वस्थ होता गया। थोड़ी बहुत दवाई कराई और बच्चा अब तक ठीक है। ये कैसे, ताली नहीं बजाएं, ताली नहीं, समझे कि ये कैसे हो गया, कि उन्होंने बापूजी का वचन पढ़ लिया। उन्होंने तो स्टिकर में पढ़ा, हम लोग तो प्रत्यक्ष यहां अभी सुनेंगे और गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन भी करेंगे। तो गुरु के वचन सुनते समय ये संकल्प करके सुने, ग्राह्य दृष्टि, कि इन वचनों को मुझे ग्रहण करना है, ये मेरे लिए है। गुरु की वाणी कल्याणकारी वाणी है, मेरा बल बुद्धि तेज ओज इससे बढ़ेगा।